दोस्तों, इस दुनिया में जन्मे हुए सभी लोगों को एक ना एक दिन इस खूबसूरत जहां को छोड़कर जाना होता है। मगर दुनिया में कुछ लोग सिर्फ जीने के लिए आते हैं। मौत तो महज उनके शरीर को खत्म करती है। आज मैं बात करने जा रहा हूं भारत की बहादुर बेटी कल्पना चावला की। भले ही 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल के दुर्घटनाग्रस्त होने के साथ कल्पना की उड़ान रुक गई, लेकिन आज भी वह दुनिया के लिए एक मिसाल है। दोस्तों, सोच को कोई नहीं रोक सकता। सोच हमेशा उड़ान भरती आई है और भरती रहेगी। अंतरिक्ष की परी कहे जाने वाली कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था। कल्पना अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय थी। उनके पिता का नाम बनारसी लाल और मां का नाम संज्योति है। बचपन में सभी लोग उन्हें प्यार से मोटू कहकर बुलाते थे। दोस्तों, कल्पना नाम के अनुरूप ही बचपन से वे बहुत ही कल्पना भरी सोच रखती थी। वो हमेशा आकाश और उसकी ऊंचाइयों के बारे में सोचती रहती। अपने पापा से विमान और चांद तारों के बारे में बातें किया करती थी। कल्पना की प्रारंभिक पढ़ाई करनाल की टैगोर स्कूल में हुई। फिर कल्पना ने 1982 में चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। उसके बाद वो अपने ख्वाबों को पूरा करने अमेरिका चली गई, जहां उन्होंने कोलोराडो यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। कल्पना को 1988 में नासा में शामिल कर लिया गया। यहां रहकर उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए। उनके लगन और मेहनत को देखते हुए बाद में चलकर उन्हें अंतरिक्ष मिशन की टॉप 15 की टीम में शामिल किया गया। और देखते ही देखते उन 6 लोगों की टीम में भी उनका नाम आ गया जिन्हें अंतरिक्ष में भेजा जाना था। और इसी तरह कल्पना के सपनों को अब पंख लग चुके थे। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 19 नवंबर 1997 को 6 अंतरिक्ष यात्रियों की टीम के साथ अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान STS-87 से शुरू हुआ। कल्पना चावला अंतरिक्ष में उड़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। यह मिशन सफलतापूर्वक 5 दिसंबर 1997 को समाप्त हुआ। उस मिशन के बाद भारत के टैलेंट को पूरे विश्व में पहचाना जाने लगा। जिस समय भारत के लोगों को अंतरिक्ष की समझ भी नहीं थी, उस समय भारत की बेटी कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में जाकर पूरे विश्व जगत में भारत का परचम लहराया था। सभी ने उनके जज्बे को सलाम किया और 5 साल के बाद पुनः नासा ने उन्हें अंतरिक्ष में जाने के लिए चुना। कल्पना चावला की दूसरी उड़ान 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल से ही आरंभ हुई। यह 16 दिन का मिशन था। इस मिशन पर उन्होंने अपने सहयोगी के साथ मिलकर लगभग 80 परीक्षण और प्रयोग किए। लेकिन फिर वो हुआ जिसे सोचकर आंखें भर आती हैं। हाथों में फूल लिए हुए स्वागत के लिए खड़े वैज्ञानिक और अंतरिक्ष प्रेमी सहित पूरा विश्व उस नजारे को देखकर शोक में डूब गया। धरती पर उतरने से सिर्फ 16 मिनट रह गए थे, तभी अचानक शटल ब्लास्ट हो गया और कल्पना के साथ ही साथ सभी अंतरिक्ष यात्री मारे गए। दोस्तों, भले ही कल्पना उस दुर्घटना की शिकार हुई हो, लेकिन वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। वो आज पूरे विश्व के लोगों के लिए आदर्श हैं। दोस्तों, मैं पुनः वही बात दोहराना चाहता हूं कि दुनिया में कुछ लोग सिर्फ जीने आते हैं। मौत तो महज उनके शरीर को खत्म करती है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। मैं हर रोज एक नई इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो के साथ आता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
धन्यवाद।